हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज डिज़ाइन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए ये मैंने 1 मीटर के करीब जो है ये अस्तर का कपड़ा लिया हुआ है, क्योंकि ये एल्बो स्लीव तक है और फिर बोट नेक में है, तो बोट नेक में जो है ये कपड़ा, अस्तर का कपड़ा जो है वो अधिक लगता है। बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो 15 रखी है और तैयार होके 14 इंच आएगा। और यहाँ से शोल्डर का हाफ इंच लेंगे, तो शोल्डर 14 है तो उसका हाफ 7 इंच लिया। और फिर इधर से आर्म होल जो है वो 6 इंच लिया है मैंने, और यहाँ से 7 इंच ऐसे करके फिर यहाँ 6 इंच पर आर्म होल की लेंथ का ये निशान लगा लिया। और अब यहाँ पर बस्ट का 1/4 ले लेंगे, तो बस्ट जो है वो 32 इंच है, तो उसका 1/4 लिया 8 इंच और फिर 2.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है, तो 10.5 पर निशान लगाया। और अब यहाँ से आर्म होल का ये राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से फिर इस तरह से लाइन खींच दिया। और इधर से बोट नेक में है तो यहाँ 3.5 लेंगे, इधर से भी 3.5 इंच पर निशान लगाकर ये इस तरह से शेप दे देंगे। ये 32 साइज़ का है, इसलिए ये बोट नेक जो में ये जो लेंथ और इसकी ब्रॉडनेस जो है ये मैंने कम रखी है, ऐसे 4 इंच के करीब रहता। तो और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये मेन फैब्रिक है, सिल्क की साड़ी है उस, तो उसका ये ब्लाउज पीस है, तो इसे इस तरह से फोल्ड कर लिया डबल फोल्ड में और जो कटिंग किया था अस्तर उसे रख कर फिर कट कर लिया। जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए ये पेपर पेस्टिंग पर डिज़ाइन बनाएंगे, तो एक पत्ते की जैसा मैंने एक शेप पर पहले पेपर में कट कर लिया है, तो ये पेपर पेस्टिंग जो है डबल फोल्ड में 5 इंच और इधर से 10 इंच है लंबाई और चौड़ाई इसकी। और अब इसे ये खोल कर ये इस तरह से पेपर में मैंने इस तरह ये शेप लगा दिया है, और अब इसे पेपर पेस्टिंग पर ऐसे ये मार्क कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इसे ऐसे ही निशान लगा लेते हैं और फिर इसे जिस तरह से नेक की कटिंग करते हैं वैसे ही फिर इसे भी कट कर लेंगे। तो अब इसे थोड़ा सा डार्क कर ले रहे हैं और फिर इसके बाहरी तरफ भी 0.25 से 1 इंच के करीब तक ये एक्स्ट्रा ऐसे रखते हुए और ये निशान लगा लिया और इसकी कटिंग कर लेंगे ये जो शेप बनाया था। इसे पेपर पेस्टिंग पर कटिंग कर लेने से ये बनाने में, ये जो डिज़ाइन बनाने में आसानी रहती है। अब ये जो एक और निशान है, अब यहाँ पर भी इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और अब इसकी ये जो ये फाइनल ये कटिंग हो चुकी है और ये जो बैक साइड था ब्लाउज़ का, अब इसे पहले स्टिच कर लेते हैं। तो जिस तरह से नॉर्मल बाकी ब्लाउज में स्टिच करते हैं वैसे ही इसे भी अस्तर के साथ अटैच कर लेना है। तो ये जो सीधा वाला साइड था वो अंदर कर लिया है और यहाँ से नीचे में ये एक इधर सिलाई लगाई और अब इसे ये खोल कर फिर अस्तर के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे और फिर अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ फिर अटैच कर लेते हैं। भी एक्स्ट्रा में फैब्रिक है इसे ये कट कर लिया है मैंने ये, और अब जो ये डिज़ाइन बनाई थी इसे एक्स्ट्रा ये फैब्रिक पर ऐसे ये कट कर लिया और फिर इसे आयन भी कर लिया है जिससे ये अच्छे से फिक्स हो गया है कपड़े पर।
और जिस तरह से नेक की सिलाई लगाते हैं ये पेपर पेस्टिंग पर ऐसे रखते हुए, वैसे ही इसे भी सिल लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा में फैब्रिक होगा उसे भी कट कर लेंगे। अब यहाँ शोल्डर से 9 इंच पर ये जो नेक है वो 9 इंच तक ही रहना चाहिए, तो ये निशान लगा लिया 9 इंच पर। और इसे बिल्कुल ये सेंटर पहले बना लिया था बीच में ये ब्लाउज़ का, और अब इसे इस तरह से रख के और यहाँ पर एक सीधी पहले सिलाई लगा लेंगे जिससे कि फ़िक्स हो जाएगा, इधर उधर नहीं होगा। और उसके बाद जैसे ये पेपर पेस्टिंग है वैसा ही शेप इसमें लगाकर सिलाई कर लेते हैं। तो ये सिलाई जो है पेपर पेस्टिंग के जस्ट नीचे लगा ली है, 2 बार सिलाई लगा दिया है। और अब यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा ये अंदर का जो कपड़ा है इसे कट कर ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे और यहाँ से ये उसी शेप में कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद हल्के हल्के कट्स लगा देंगे और फिर इसे उल्टे साइड पलट कर और फिर उसके बाद हेमिंग कर लेनी है इसमें, तो पहले इतना कर लेते हैं। यहाँ पर ये पलट लिया है और हेमिंग भी कर लेंगे और यहाँ पे ये पाइपिंग लगा देंगे और ये जो डिज़ाइन बनाई थी उस पे भी पाइपिंग लगा लेते हैं। तो नेक पे और इस डिज़ाइन पर भी पाइपिंग लगा ली है और उसके बाद शो बटन मैंने इस ये नीचे की तरफ 3 शो बटन लगाए थे। और अब ये ब्लाउज़ जो है वो रेडी कर लिया है मैंने, तो इसका लुक जो है फाइनल लुक ये इस तरह से आया है, यहाँ पे 3 शो बटन लगा दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।